दोस्तों, आप सभी ने अपने आसपास के वातावरण में विभिन्न प्रकार के फूल देखे होंगे। इस पूरी दुनिया में फूलों की लगभग 3 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे फूल के बारे में। रफलेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है, लेकिन इसे आम भाषा में लास फूल भी कहा जाता है। यह फूल मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है। अगर इस फूल की आकार की बात करें तो यह 1 मीटर व्यास का होता है एवं इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको यह बता दें कि इस फूल की सबसे छोटी प्रजाति लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की पाई गई है। इन सभी प्रजातियों की फूलों की त्वचा को छूने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम किसी मांस को छू रहे हों। एक तरफ इसकी दुर्गंध लोगों को असहनीय लगती है, इसके विपरीत इसकी पालीनुमा पुष्पनाल में मौजूद गंध कीट पतंगों का आकर्षक का केंद्र बन जाती है। इन फूलों की खोज सर्वप्रथम इंडोनेशिया के वर्षावनों में हुई थी, जब डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड के एक स्थानीय गाइड ने इसे देखा था। यह रेफलेसिया फूल इंडोनेशिया और मलेशिया के अतिरिक्त सुमात्रा और फिलीपींस में भी पाया जाता है। इसका जन्म संक्रमित पेड़ों की जड़ों से होता है और यह अपनी भोजन के लिए भी दूसरों पेड़ों की जड़ों पर ही आश्रित रहते हैं। इस पौधे में केवल फूल ही एक ऐसा भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है और शेष भाग कवक जाल की भांति पतले पतले होते हैं और जमीन के अंदर ही धागों के रूप में फैले होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे फूल के बारे में। वुल्फिया कोलम्बिना का नाम विश्व में सबसे छोटा फूल के रूप में जाना जाता है। यह पौधा प्रायः जल में पाया जाता है। इसके फूल का वजन नमक के 2 कण के बराबर होता है। इन फूलों में कोई जड़, डाली या पत्ती नहीं होती और यह शांत एवं साफ तालाब में पाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह फूल भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग 40% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यह एक बहुत ही नन्हा अंडाकार आकार का पौधा होता है। इस पौधे का शरीर एक पारदर्शी हरा फ्रॉन्ड 1 मिलीमीटर चौड़ा से भी कम होता है। दुनिया भर में इस फूल की लगभग 9 से 11 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस फूल को डकवी के नाम से भी जाना जाता है।